हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों सबको पता है मेरा तबीयत बहुत दिन ख़राब था और उसका पहले एक टीवी का प्रॉब्लम था, तो वो टीवी को मैं रिपेयर किया। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा पास ये जो ESD है, ठीक है, देखिए कितना ये फायरिंग होकर जल गया। और ये दोस्तों ये पोजिशन जब फायरिंग होता है ESD का, टीवी का अंदर बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलता है, तो वो बहुत डेंजरस आवाज़ उसका अंदर से जब निकलता है सबको डर लग जाता है, फटस फटस करके भी निकलता है, क्योंकि ये जो फायरिंग इसका चारों साइड से जब होता है सबको डर लग जाता है। इसी कंडीशन पर कस्टमर वो घर का अंदर वो जो बताया कि टीवी का अंदर पूरा जो पानी फेंक दिया, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद टीवी को स्विच बंद किया, इसी कंडीशन पर टीवी तो ऑफ हो गया। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, टेक्नीशियन होगा तो सबको पता है कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक चीज़ का अंदर पानी अब लाग लग जाएगा तो पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, वो भी ख़तरनाक हो जाता है। तो ठीक है, और उसके बाद बहुत दिन पार्टी ने वेट किया, जब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया था टीवी को मेरे पास ले किया मैं ESD को बदल कर। तो दोस्तों मैं वहाँ पर एक ESD लगाया और उसका अंदर एक फॉल मिला, तो वो फॉल को मैं रिपेयर करके छोड़ दिया। और दोस्तों उसके बाद पार्टी का घर का अंदर वो टीवी फिर भी फॉल्ट हो गया, हो सकता है पानी उसका अंदर गिर गया, इसका बजाय थोड़ा उसका अंदर पानी इधर उधर था। तो तब भी मैं थोड़ा मेन PCB को साफ सुफ किया, किनार लेके और अच्छा करके साफ सुफ किया। तो जब उसका अंदर एक फॉल्ट आया, वो अलग से एक टेक्नीशियन को लेके आया घर का अंदर, और वो टीवी को रिपेयर किया, रिपेयर करके चला गया। तो दोस्तों कुछ दिन का अंदर ही, मतलब 2-3 दिन का अंदर ही वो टीवी फिर भी सेम टाइप फॉल्ट आ गया। दोस्तों जब सेम टाइप फॉल्ट आ गया तो कस्टमर ने मेरा पास लेके आया, ठीक है, तो सॉरी मेरा पास नहीं लेके आया, उसका घर का अंदर मुझे को लेके गया गाड़ी करके। तो मैं जब देखा कि उसका अंदर जो फॉल्ट है, चलिए मैं वो फॉल्ट देखाऊंगा और उसके बाद मैं उसको रिपेयर करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन, ये 29 इंच का टीवी है और इसका जो प्रॉब्लम है व्हाइट रिक्टेस लाइन, नो पिक्चर साउंड, ओके, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम कुछ भी टीवी का अंदर आ सकता है, मेनली 180 वोल्ट और 200 वोल्ट लाइन का अंदर जो वो लाइन का अंदर ही फॉल्ट अधिकतर देखा जाता है। दोस्तों पहले से ही टीवी को मैं ओपन करके रखा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दोस्तों अल्ट्रा स्लिम टीवी है 29 इंच का, और इसका PCB देखिए, जो PCB है ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेनली वो 200 वोल्ट लाइन जो है सैमसंग टीवी का अंदर, ये लाइन से एक जम्पर है, अब देख सकते हो ब्लैक वाला जो एक वायर है, वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर वोल्ट आ रहा है कि नहीं, इसलिए मीटर को 600 DC रेंज पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 200 वोल्ट के ऊपर आएगा तो 200 रेंज पर प्रॉपर वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज 194 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज सही निकल रहा है, ये वोल्टेज बेस बोर्ड का अंदर जाता है, ये भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 193 वोल्ट, मतलब वोल्टेज प्रॉपर है, ये 200 वोल्ट का लाइन है। दोस्तों ये प्रॉपर वोल्ट नहीं मिलेगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, अधिकतर वोल्टेज डाउन दिखाएगा, तो आपको वो लाइन का अंदर कैपेसिटर चेंज करके देखना पड़ेगा, जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रहता है और 250 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है, वोल्टेज ओके है, मतलब इसका अंदर कैपेसिटर भी ओके है, ठीक है दोस्तों। इसका PCB आप अच्छा करके देखिए, उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, और दोस्तों और एक चीज़ को देखना पड़ेगा, जो बेस बोर्ड है ये दोस्तों IC बेस बोर्ड है, इसका अंदर कौन सा IC है ये आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं भी दिखता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों IC है बेस बोर्ड का अंदर, ये IC फॉल्ट हो सकता है, तो ये IC क्यों फॉल्ट हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन पर मेरे पास जब PCB है, मैं मेन मदरबोर्ड को मैं सल्फर जो है और थर्मल का साफ सुफ किया, और ये बेस बोर्ड को मैं कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। हो सकता है इसी कंडीशन पर सल्फर के बजाय इसका जो पहले वाला IC था फॉल्ट हो गया, हो सकता है, इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये जो बेस बोर्ड के अंदर IC है इसका नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिए, दोस्तों देखिए TDS 6107JF, दोस्तों ये जो JF लास्ट नंबर देखिए,
तो दोस्तों यहाँ पर गलत आईसी लगाया और दूसरा जो टेक्नीशियन है यहाँ पर कौन सा आईसी होना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट ये आईसी है, क्योंकि दोस्तों ये आईसी आप जरूर देखा होगा कि 20 इंची 21 इंची टीवी का अंदर 50 इंची टीवी का अंदर दोस्तों ये आईसी यूज़ होता है। और दोस्तों ये 29 इंची का टीवी है। देखिए फर्स्ट वाला जो आईसी मैं रखा हूँ तो दोस्तों ये पहले से ही तो दोस्तों अलग से टेक्नीशियन लगाया, ठीक है। ये देखिए TDA 06107J। और मैं अभी जो यहाँ पर लगाऊंगा, जो यहाँ पर लगना चाहिए TDA 6107AJF N1, ठीक है। लास्ट नंबर देखिए N1, ये आईसी यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आईसी का वोल्टेज थोड़ा हाई है। तो दोस्तों आईसी को मैं ओपन किया और यहाँ पर ये जो N1 वाला लास्ट नंबर आईसी यहाँ पर मैं लगाया। और चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। पिक्चर तो ओके होना चाहिए, बट दोस्तों ये आईसी आसानी से ख़राब नहीं होता है, इसका वोल्टेज भी हाई है और ये लॉन्ग टाइम चलता है। तो सही पार्ट्स तो फर्स्ट लगाना पड़ेगा तब तो चलेगा, उसके बाद फॉल्ट होगा तो अलग बात है। बट मैं ये इसका जो सही आईसी इसका अंदर लगाया और आपको दिखाना चाहता हूँ पिक्चर आ रहा है कि नहीं, ब्लू स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए नो सिग्नल लिखा आ गया, ब्लू स्क्रीन भी ओके आ गया, तो पिक्चर भी आना चाहिए, ठीक है। पिक्चर देखे भी आपको देखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।